में, और वहाँ है आज शादी का पहला दिन जो कि है मेहंदी का। दोस्तों तो दिखाएंगे आपको। कूदे बहुत कुछ किया दोस्तों, और मैं बताऊँ तो गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आप सभी का फिर से मेरे स्वागत है इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम आज कहीं जाएंगे, वैसे तो हम गए हुए हैं, जैसे कि हमारे लैंग्वेज में इसको तबरखा बोला जाता है, जैसे कि हमारे भाई के उधर ही है, वहीं पर हैं हम अभी। बाकी इसके बाद जाना है हमने दोस्तों अपने चाचू की शादी में, और वहाँ है आज शादी का पहला दिन जो कि है मेहंदी का। दोस्तों तो दिखाएंगे आपको हमारे हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में किस तरह हम अपनी जो मेहंदी का रस्म है कैसे हम निभाते हैं, तो सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों। और बने रहे हमारे इस ब्लॉग में हमारे साथ, तो सब कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी हमारे साथ हैं अभी हमारे दोस्त विकी तो मिलते हैं दोस्तों सीधा आपको चाचू के घर में। बाकी सब कुछ बताएंगे दोस्तों क्या क्या है, सब कुछ दिखाएंगे आपको, और मिलाएंगे आपको अपने चाचू से भी जिनकी शादी बहुत टाइम बाद हो रही है, अनएक्सपेक्टेड सी शादी हो रही है उनकी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको सीधा चाचू के। शादी में जैसे कि आपने देखा ही पीछे पूरा बैकग्राउंड जैसे कि आप देख ही सकते हो, भाई क्या लग रहा है, अल्टीमेट भाई लाइटनिंग से पूरी घर में रौनक आ जाती है गाइस। और अभी अंदर मैं गया नहीं, अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा चाचियों का थोड़ी देर बाद। बाकी कुछ ऐसा सीन है, बाकी आपको दिखाते हैं जहाँ पे लड़कियाँ नाच रही हैं I'm not afraid to die.
पहुंच गए हैं घर, और आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी फ़र्क लग रहा होगा, क्योंकि भाई इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया है ना भाई, कसम से आत्मा बाहर आ गई है मेरी आज। इतनी ज़ोर ज़ोर से हमने गाने गाए और नाचे कूदे, बहुत कुछ किया दोस्तों। और मैं बताऊं तो अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले सुबह के, और अभी आए हैं हम। बाकी मेहंदी बहुत इंटरेस्टिंग रही गाइस, और बहुत मज़ा आया हमको, जो कि अपने चाचू की शादी की फर्स्ट डे था आज, उसमें मेहंदी में हमने फुल एंजॉय किया। बाकी दोस्तों अभी 3 बजे हम घर पहुंचे हैं, और मेरी हालत नहीं है कुछ बोलने की, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों कल है हम उधर में ही, जिसको कि जागरा बोलते हैं, जागरा है उधर कल, और कल भी हमको जाना है थोड़ा, 12-1 बजे जाएंगे हम उस टाइम। तो बताते हैं आपको जागरा में मतलब क्या होता है, मतलब तेल वगैरह होता है लाड़े के ऊपर, जो भी होता है तेल वगैरह डालते हैं। और तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहंदी की रस्म अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं हमको कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और इसके 2 व्लॉग अभी और आएंगे इसी शादी के। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ और देखते रहें DJ व्लॉग्स, और मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। Yeah!